जेब्रा तो आप सभी ने देखा ही होगा, टीवी में नहीं तो चिड़िया घर में, जिसके शरीर के ऊपर सफेद रंग की धारियां बनी होती हैं। ये वही धारियां रहती हैं जो सड़कों पर चलने में हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये जेब्रा जानवर की धारियां हमें सुरक्षित कैसे करती हैं, तो हम आपको इसके लिए बता दें कि जब भी आप सड़क पार करते हैं तो जेब्रा क्रॉसिंग के थ्रू ही करते हैं, उन सफेद धारी पट्टियों के द्वारा ही करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सफेद पट्टियों को जेब्रा क्रॉसिंग ही क्यों कहा जाता है, इसे डॉग क्रॉसिंग या फिर कैट क्रॉसिंग क्यों नहीं कहा जाता? तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आपको बताते हैं कि इसे जेब्रा क्रॉसिंग ही क्यों कहा जाता है और ये काले सफेद ही क्यों होती है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इन सफेद पट्टियों का नाम जेब्रा क्रॉसिंग नाम कैसे पड़ा। साल 1930 में इंग्लैंड में एक एक्सपेरिमेंट किया गया। इंग्लैंड का ट्रैफिक बढ़ने लगा था, जिसके चलते सड़कों पर जाम और अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो रही थी। तब यहां पर क्रॉसिंग बनाई गई। एक दिन सड़क पर ब्रिटिश मंत्री निकले, जिन्हें उस क्रॉसिंग के निरीक्षण के लिए नियुक्त किया गया था। जब उन्होंने काले और सफेद रंग की क्रॉसिंग को देखा तो उसे जेब्रा प्रिंट बताया, तब इसे क्रॉसिंग को जेब्रा क्रॉसिंग कहा जाने लगा। वहीं आपको इन पट्टियों को सफेद रंग में रंगे जाने के पीछे का राज भी बताएं तो डामर से बनने वाली सड़कें काली होती हैं। ऐसे में जब उन पर सफेद धारियां प्रिंट की गई तो वो दूसरे रंगों के मुकाबले ज्यादा साफ साफ दिखाई देती। क्रॉसिंग बनाने से पहले कई रंगों का प्रयोग किया गया, मगर सबसे उपयुक्त सफेद धारियां ही लग रही थी, क्योंकि उस पर चलने वाले लोग आसानी से नजर भी आ रहे थे। तब से इसे काला सफेद माना जाने लगा। हालांकि कई देशों ने अपने हिसाब से क्रॉसिंग की डिजाइन या फिर रंगों को चेंज भी कर दिया है। स्पेन में एक शहर है जिसमें पट्टियों की जगह पोलका डॉट्स बना दिए गए हैं। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि उस इलाके की गायों के शरीर पर इसी तरह के डॉट्स होते हैं, इसे काउ क्रॉसिंग कहा जाने लगा। हांगकांग में पीली पट्टियां बनाई गई हैं, जिसे टाइगर क्रॉसिंग भी कहा जाता है। लेकिन अपने देश में जेब्रा क्रॉसिंग के नाम से ये सड़कों पर काली और सफेद रंग की पट्टियां जानी जाती हैं, और इसके पीछे का कारण भी आप समझ गए होंगे और ये भी समझ गए होंगे कि सड़कों पर इन काले और सफेद रंग की पट्टियों पर जिन पर लोग चलते हैं, हम और आप चलते हैं, सुरक्षा से बचने के लिए ये बनाए जाते हैं, उन्हें जेब्रा क्रॉसिंग क्यों कहा जाता है और जेब्रा क्रॉसिंग नाम इसका कैसे पड़ा, ये भी आपने इस वीडियो में जान लिया। वैसे भी सड़कों पर सुरक्षा सुनिश्चित करना ही चाहे राज्य सरकार हो चाहे फिर केंद्र सरकार हो, सभी की जिम्मेदारी है और इसे लेकर तमाम तरह के प्रयास भी आए दिन किए जाते रहे हैं। लेकिन बात हम कर रहे हैं 1930 की, और ये बताने की कोशिश आपको हमने इस वीडियो में की कि आखिर सड़क पर सफेद और काले रंग की पट्टी को जेब्रा क्रॉसिंग क्यों कहा जाता है और जेब्रा क्रॉसिंग का नाम कैसे पड़ा। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको हर खबर से अपडेट रख सकें। यदि आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो लाइव सिटीज के पेज को जरूर लाइक कर दें। इसके अलावा आप लाइव सिटीज को ट्विटर पर भी जरूर फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।